कैसे हैं आप सब। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। इसमें स्कंद माता की पूजा की जाती है और स्कंद माता को केले का प्रसाद बहुत ही प्रिय है। आप चाहे तो केले का भोग लगाएं या केले से कुछ भी मिठाई बना के भी भोग लगा सकते हैं। आज हम केले का भी भोग लगाएंगे और केले से कुछ मिठाई भी आपको बना के बताएंगे जो माता को हम भोग लगा सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो पांचवें दिन में माँ स्कंद माता को जो प्रसाद चढ़ेगा वो हम बना लेते हैं। उस दिन माँ को केले से भोग लगता है। ये पके हुए केले हैं, इन्हीं का माँ को भोग लगता है। और आज हम केले का भी भोग लगाएंगे और केले की खीर भी बना के माता को भोग लगाएंगे। तो इस तरह से मैं पहले केले को कट कर लेती हूँ। मैंने दो केले को इस तरह से छोटे छोटे कट कर लिए है, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ हम लेंगे आधा लीटर दूध। ये आधा लीटर दूध है, फुल क्रीम दूध है। चलिए अब इसे खीर बना के तैयार कर लेते हैं। जिसमें हमें खीर बनानी है उसमें हमें पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। अब इसी के साथ हम ऐड कर देते हैं दूध। ये आधा लीटर दूध है, अब इसे बॉईल होने देते हैं और केले को हम कट करके फ्रिज में रख देंगे। जब हमारी खीर तैयार होगी तब हम ऐड करेंगे, इसलिए इसे कट करके हम फ्रिज में रख चुके हैं केले को। और मैंने थोड़ी सी केसर भी दूध में घोल के तैयार की है और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड किया है मैंने। दोनों को एक साथ ऐड करके इसे साइड में रख देते हैं। जब दूध हमारा तैयार होगा बॉईल होके तब हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़े से मैंने काजू का पाउडर बनाया है। दूध बॉईल होने लगा है, देखिए। अब इसी स्टेज में हम इसके फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे। दूध को तब तक हमें सिझाना है जब तक दूध थोड़ा सा रिड्यूस होके कम न हो जाए। जितना दूध है उससे आधा हमें दूध चाहिए, इसीलिए इसे स्टर करते हुए हमें दूध को गाढ़ा कर लेना है आधी क्वांटिटी तक। आप देख सकते हैं दूध हमारा हल्का रिड्यूस हो चुका है, पूरा आधा नहीं हुआ है, लेकिन 5 मिनट के लिए हमने इसे बॉईल किया है। देखिए ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हमें इसमें काजू वाला पाउडर ऐड करना है। चलिए 2 से 3 चम्मच हम इसमें काजू वाला पाउडर ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छे से स्टर कर लेना है। चलिए इसे थोड़ा रिड्यूस और होने देते हैं। बीच बीच में स्टर करते रहेंगे इसे, नहीं तो ये चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं 5 मिनट और हो चुके हैं, दूध हमारा रिड्यूस हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हमें इसे कलर और केसर को ऐड कर देना है। अब देख सकते हैं हमने कलर और केसर ऐड कर दी है। अब इसी स्टेज पे हमें चीनी भी ऐड कर देनी है। आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। मैं इसमें खाने वाली 2 से 3 चम्मच ऐड करूंगी, इसमें ज्यादा मीठा की आवश्यकता नहीं है। अब इसे स्टर करते रहेंगे, चीनी मेल्ट होगी, अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए 5 मिनट के लिए इसे और थोड़ा सा हमें सिझा लेना है। देखिए क्वांटिटी में थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाएगी, फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से स्टर करते हुए दूध को रिड्यूस कर लेंगे। फ्लेम को हाई और लो करते रहेंगे अपने हिसाब से। चलिए तो 5 मिनट और इसे बॉईल कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए दूध रिड्यूस हो चुका है और एकदम तैयार है ये खीर। अब हमें दूध को पूरा अच्छे से थोड़ा ठंडा कर लेना है। एक बात का एकदम खास ध्यान रखें कि इसी स्टेज पर बनाना हमें नहीं ऐड करना है, हमें दूध को पूरा ठंडा करके ही बनाना को इसमें ऐड करेंगे। चलिए इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठंडे होने के बाद मैं इसमें केला ऐड करके आपको दिखाऊंगी। चलिए तो अब खीर को सर्व कर लेते हैं। हम पहले बनाना ऐड करेंगे इसमें, जिसमें हमें खीर को सर्व करनी है उसी में हमें बनाना को ऐड करना है। अब इसी स्टेज में हमें दूध ऐड कर लेना है जो हमने रिड्यूस करके रखा है और बहुत ही मजेदार सी हमारी बनाना खीर तैयार है। आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब आप बनाना खीर सर्व करने वाले हो उसी स्टेज पर आप बनाना कट करें, नहीं तो हमारे बनाना काले पड़ जाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखें। जैसे मैंने पहले कट कर दिए थे, हल्के से मेरे बनाना के कलर चेंज हो गए हैं, आप ये गलती ना करें। अब इसमें हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है। अब इसमें हम थोड़े से काजू और वॉलनट है वो भी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। काजू और वॉलनट को हमें खीर में ऐड कर लिया है। अब हमारी बनाना खीर बनके एकदम तैयार है माता को भोग लगाने के लिए। हम दोनों तरीके से माँ को भोग लगाएंगे, केले से भी और केले के खीर से भी। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। और अगर आप बनाना से बनी कुछ रेसिपी अगर और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे, माता का भोग लेके फिर से मैं आपके साथ हाजिर होंगी और प्रसाद आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।